कुछ समय पहले रेखा ने कहा था कि वो अपने करियर के बेहतरीन फेज में है, और रेखा के मुताबिक वो चाहे जो भी करे लोग उनकी तरफ ध्यान भी देते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं, और इस बात से भला कौन इनकार कर सकता है। अपने जमाने की बेहतरीन अदाकारा रही रेखा किसी भी इवेंट पर न बोलने की आदत सी बना ली है। शायद रेखा ने यह रास्ता अपनी पर्सनल लाइफ को बार बार मीडिया में उछाले जाने से चुना है। और ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला जब रेखा पहुंची अपने दोस्त के बुक लॉन्च के मौके पर, और वहां भी मीडिया से बचते बचाते निकल गई अपनी मंजिल की ओर। ये तो तय है कि समय भले ही आगे बढ़ रहा हो, पर रेखा की अदाएं और क्रेज आज भी बरकरार है। तभी तो हर जगह रेखा को पसंद किया जाता है। रेखा की कातिल हंसी के आगे आज भी लोग मर मिटने को तैयार हैं। रेखा ने भले ही किसी भी इवेंट पर बोलना छोड़ दिया हो, पर अपनी शोक अदाओं और आंखों के तीर छोड़ने से आज भी नहीं चूकती। ऐसा ही एक नजारा देखने को मिला जोधा अकबर के प्रीमियम पर, जहां रेखा के इशारे ही सब कुछ कह गए। इसीलिए रेखा को जिसने भी देखा वो उनका दीवाना बन गया।